आज हम अपना ब्लॉग चालू कर रहे हैं रात को 11:30 बजे, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुंबई, माया नगरी। ऐसे नहीं बोलते, सपनों की नगरी मुंबई जा रहे हैं हम लोग। हमारा बड़ौदा का ब्लॉग अभी तक पूरा अपलोड नहीं हुआ, मतलब एडिट करना ही बाकी है, और हम दूसरा महीने बाद ट्रिप आ रहे हैं। और अभी बस ये पहली बार अभी मतलब ट्रिप चालू कर रहे, तो अभी घर पे आ गए, तो नीचे से सीधे जाएंगे और 1 घंटे पहले वापस आ जल्दी पहुंचेंगे। अभी मेरे साथ रहने लगा ना, इसलिए जल्दी जल्दी अभी ये भी हो गया है कि पंक्चुअल हो गया टाइम पे पहुंचेगा। पंक्चुअल हूं मैं पहले, हम दोनों के बाकी हम बस छोड़ रहे हैं, हम जा रहे ऑटो में। कैसे ही चलता है, हमारी परंपरा है कि हम स्टेशन पे आके फ्लैग तो दिखाते ही है। और ये है सूरत स्टेशन, हिंदी में सूरत, गुजराती में सूरत और इंग्लिश में सूरत। दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, दिख रहा है? हाँ दिख रहा, हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। ये तीनों लैंग्वेज में इसलिए लिखा है कि कोई गलती से छूट ना जाए, किसी को पता, सबको पता चलना चाहिए। हाँ समझ ले, सूरत है मतलब सूरत है, खूबसूरत है, सूर्य नगरी। ये देखो, ये मेरे को पता था, अरे ये तो हमेशा ही दिखाते, ये छोटी ट्रेन है अहमदाबाद और बड़ौदा से, ये जा रहा है सूरत छोड़ के। बाय आदर्श, कभी अलविदा मत कहना, अभी निकल, कभी मिल मत जाना गलती से। ऐसे हरकतें करेगा स्टेशन पे तो लोग पागल पागल ही समझेंगे ना। उधर का जा रहे, कहीं भी जाओ, चलिए पागल है तो इसलिए सीढ़ी इतना आसानी है, ये नहीं लेगा, मैं इस पे स्केटबोर्ड भी चलाया हूँ ना इसलिए। सही में यार, यहाँ पे पेंडिंग हुआ करती थी क्या? ये अजीब तरीके की पहली बार डब्बा ऐसा देखा गया, इसमें कार्ड जाता है, मर्सिडीज, ऑडी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, ये कार्ड बना हुआ है, कार जो बना हुआ है उस पर भरोसा करोगे, जो लिखा हुआ है उस पर भरोसा करोगे, जो लिखा हुआ है उस पर, जो बना हुआ है उस पर, बना हुआ तो कुत्ता बिल्ली भी बनाते इधर, जो कुत्ते ज्यादा अच्छे होते, कुत्ते नहीं जा सकते क्या? अभी तू नहीं जा रहा क्या ट्रेन में? लेकिन मेरे वाले में ही बना है ना, अरे नहीं जा रहा है अभी तो तुझे लेके जा रहा हूँ मैं, वो तेरे गली में पट्टे डालना बाकी है, गली में अभी हमारा टाइम पास नहीं होता स्टेशन पे, तो हमने एक काम किया, हमने अपना गूगल पे खोला, हमको बहुत सारे रिडीम मिला था, तो आदर्श को मिला था, आदर्श को मिला था कि मिनिमम 100 स्पेंड करने पे कैशबैक मिलेगा 5 to 50 rupees, तो इसने किया, इसको 46 कैशबैक मिला, मेरे पे भी आया था 3 to 30 rupees, तो मैंने भी किया, मेरे को 3 रुपए, फिर हम लोग 4 से 5 बार ऐसे किए, हम लोग का वाउचर आना ही बंद हो गया, गूगल ने हमको ब्लॉक कर दिया। देखो ऐसा ही कर ले पहले, ऐसा काम करो कि गूगल भी ब्लॉक कर दे। ट्रेन चालू हो चुकी है, अभी जस्ट आधा घंटा लेट आई है, उल्टा ज्यादा लेट आई है। ये देखो बहुत ही खराब लग रहा है, सही में मत दिखा, अभी जूने वाले स्मार्ट लग रहे, कब बोला इतना नहीं कैमरा घुमाना होता है, चलेगा सब देख लेंगे लोग। बस अभी हम वलसाड़ पहुंचे, यहाँ पे 1 घंटे हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कितने घंटे से हम लोग उधर ही बैठे हैं, इन्होंने सीटी भी मार दी, भागना पड़ेगा। बस भी करो अंकल, कितना जोर से सीटी मारते हो आप, ये अंकल ग्रीन ग्रीन लाइट दिखा रहे कि चल लो भाई, अब ये रात के 2 बजे ये अंकल नाश्ता बेच रही है, ये वाले इन्होंने वड़ा पाव के लिए पूछा, पर मम्मी ने मना किया वड़ा पाव खाने के लिए, बोली थी बाहर का मत खाना। ट्रेन से उतरने वाले हम सबसे लास्ट है, यहाँ से मैं ओवरटेक करता हूँ आदर्श को, क्योंकि इसने बहुत लंबा अभी तक ब्लॉक दिया है। ये फाइनली हम मुंबई की पावन धरती पे उतर चुके हैं, और भाई मुंबई ये ब्रिज के नीचे इन लोग ने स्टेशन बना दिया है, मतलब थोड़ी सी जगह छूट ना जाए, सबको यूटिलाइज कर लेंगे, तभी तो हर चीज महंगा महंगा है यहाँ पे। हमारे इधर ब्रिज के नीचे स्केटबोर्ड नहीं बनाती, पूरा स्टेशन बना दिया। चलो उस साइड से चलते, चल। फाइनली हम उतर चुके हैं मुंबई की सड़कों पे, हम अपने बस के साथ चल रहे हैं, हम अपनी किस्मत आसमाने आए हैं मुंबई में। फाइनली हमें बोला जा चुका है कि आप मुंबई आ सकते हैं, और हम मुंबई आ चुके हैं, किसने बोला नहीं है, बुलाया वही नहीं पता, वही यही प्रॉब्लम है, यही होता है मुंबई में, सब बुला के छोड़ देते हैं, जैसे सब रोड पे आ जाते हैं, पर हम रोड पे नहीं आएंगे, हम रोड पे ही वैसे। ब्रह्म मुंबई महानगर, बात तो सही है। अरे सब्जी मार्केट देखना, अरे कैमरा टर्न करना, क्या कहाँ पे? अरे ये देखिए साले अंधे, अच्छा ओके कैमरा टर्न तो कर, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं खुल रही है,
सर, सरदार मार्केट है। बोले कहीं भी आ जाओ तुम सूरत से बाहर नहीं निकल सकते हो। यू कैन टेक आउट मुंबई का फ्रॉम मुंबई बट कांट टेक आउट सूरत फ्रॉम सूरत। यस, क्या गलत जो इसने बोला वही सब समझ जाना अपने हिसाब से। लग गया साले, आते दिल टूट गया हमारा। हमको बस 12 रुपये में समोसा पाव मिला है। हमारे इधर 15 का इतना अच्छा समोसा पाव मिलता है ना कसम से। और आप लोगों से खेत के लिए माफ़ी है कि आप लोगों को इसको सहना पड़ रहा है ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मैं तो अभी बिजी चल रहा हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, टाइम पास है एक नंबर का। लेकिन ये दिल पे लग गई मेरे को, मेरे को टेस्ट अच्छा आ रहा है। टेस्ट क्या अच्छा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, वो वाला फील नहीं आ रहा। इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। अभी जा वो बिल्डिंग मिला यहाँ के बिल्डिंग्स ही अलग है। इनको थोड़ी सी जगह मिलती है, पूरी बिल्डिंग बना कर खड़े कर रहे थे। वो देखो थोड़ी सी जगह है, बड़े पतले पतले बिल्डिंग है यहाँ पे। अभी कोई फूंक मारते ऐसे गिर जाए। अभी हवा चली थी, हवा चली तो बिल्डिंग ऐसे ऐसे हो रहा था। बहुत सही। तो बस अभी अंकित अपने काम के लिए गया है, थोड़ा काम वो भी निपटाएगा और फिर तब तक मैं इधर उधर घूम लेता हूँ थोड़ा। देखते हैं, सोच रहा हूँ मैं सिद्धिविनायक जाता हूँ, देखता हूँ कि दर्शन हो पाएगा कि नहीं। फिर अकेले नहीं करूँगा, उसके आने का वेट करूँगा, क्योंकि ऐसा था कि ऑनलाइन दर्शन बुकिंग करना पड़ता है और मैं करवाना भूल गया और डे की स्लॉट की बुकिंग हो गई थी सारी की सारी। तो जाके चेक कर लेते हैं एक बार, और वैसे भी कुछ करने के लिए है नहीं कुछ टाइम तक, तो करते ही। चलिए, कुछ ज़्यादा ही कबूतर है यहाँ पर, कबूतर खाना पूरा। उड़ो आजू वाले मुझे पागल समझ रहे होंगे कि क्या कर रहा है। ब्लॉगर की ऐसी लाइफ होती है। कुछ ज़्यादा ही ग्रीन, अच्छा नाम ही इसका ग्रीन मिला है, तोते जैसा लग रहा है ये पूरा। ठीक है, ओह सॉरी जीसस क्राइस्ट, माफ करना। आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अभी तक आदत को झेलना पड़ा। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ, तो अब मैं ब्लॉग करूँगा वापस से। अब हम कर रहे हैं मुंबई एक्सप्लोर, वॉक करके ऑटो करके बस से जैसे भी करेंगे, पर पहले भी हम खाना खाएंगे और खाना खा के हम डिसाइड करेंगे हमें जाना कहाँ, क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी है। हम थोड़ा ऐसे लड़की वाली चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं थोड़ा शॉपिंग कर लूँ। ऐसे मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। ये कब से फ़ोन पे बिजी है, जब से मैं आया तब से फ़ोन पे बिजी है, देख लो। अरे मत देख, जा मैं जा रहा हूँ। ये कोई है मोनोरेल, अरे मोनोरेल इस पर कैसे चलती है भाई, लटक के गिर गई तो वाट लग जाएगी। ये भाई साहब ने अपने ऊपर ही गिरा दिया। मैंने बोला व्लॉग बनाना है, कोल्ड ड्रिंक पी ले, तो ये भाई ने अच्छा कंटेंट दे दिया। सही है, ये खराब आ रही है, कभी भी अच्छी चीज रिकॉर्ड नहीं करवाता। रिकॉर्ड कर लिया और क्या, नहीं ये कहाँ गया, जब गिरा तो मैंने नहीं देखा जब गिरा तो। जो भी है, ये देखो हम मोनो रेल के। सुना था मुंबई के बारे में, बिल्कुल सही सुना था, हाई राइज बिल्डिंग्स और बहुत सारा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है। कब से हम लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बोर हो गए हम लोग ट्रैफिक देख के, कुछ नया दिखाओ। और ये मस्त बिल्डिंग है कोहिनूर, इससे कोहिनूर हीरा छुड़ा के गए थे ब्रिटिशर्स हमारे, तो हमने उसके याद में बिल्डिंग, ये बिल्डिंग पे ये लटक के काम कर रहे इतने ऊपर से। भाई साहब अगर गिरे ना तब तो कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, किसी को भी नहीं, कहाँ नहीं पता। ये आ गया अपना कोहिनूर बिल्डिंग। और ये फराह खान अपनी उंगलियों पे नचा रही है भारतीय, और उसका जो नाम है मेरे को नहीं पता भाई, हाँ हर्ट्स, हर्ट्स नाम है। हम अभी वॉक करते करते हमको नहीं पता कहाँ है, हमको एक आगे किनारा दिख रहा है। अभी ये बीच का किनारा है या नाले का किनारा है, क्योंकि मेरे को तो नाला ही दिख रहा है, क्योंकि भी ये समुंदर के ऊपर ब्रिज कौन बनाता है, सीलिंग थोड़ी है ये, तो मेरे को भी आगे जाके पता चलेगा अगर पानी हुआ तो। फिर हम नहा लेंगे, थोड़ा गर्मी बहुत है ना इसलिए। अभी इसका इसका मुंह हमेशा बना रहता है नहाने के नाम पर, नहा इसको नहाना नहीं कसम पर, मेरे को पानी दिख रहा है, बहुत मस्त पानी दिख रहा है। महीने महीने पर नहाता नहीं मेरे को, गलत बोल रहा है ये, ऐसे गलत फहमी फैला रहा है, गलत इंसान है ये, इससे दूर रहो। अरे तू चुप रहे, हट, क्या नमस्ते, चप्पल फेंक के मारेंगे अंकल, देखेंगे तो। हाँ तो वो तो जानते हैं ना सच्चे,
तो नहाता नहीं है। मैं नहाता हूँ, नहाता ये गंदा लड़का है। अरे बहुत मस्त समुंदर है, मैं मन कर जाके डुबकी मार लूँ। बीच, अरे बीच, अरे अब भी जूता निकालता हूँ। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लिप में बोला था वहाँ पे मैं गलत था। अब हम आपको एक जादू दिखाने जा रहे हैं और ये तो देख के ऐसा लग रहा है हाय जन्नत है। तो रेडी हो जाओ और ये देखो सीलिंग सुनो, बोला था ना सीलिंग थोड़ी है। सीलिंग ही निकला ये तो। हाय हाय हाय, हमें जाना था मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव इधर ही मिल गया। आदर्श से हाय, अब हमारा समुंदर का प्लान नहीं है, हम इधर बैठ के टाइम पास करके चले जाएंगे। पर मैं तो थोड़ा नहाऊंगा, मतलब थोड़ा गीला हो जाऊंगा। चल चल चलते चल। गर्मी ना एक नंबर है, पर जो फीलिंग इधर बैठ के आ रही है वो भाई वो फीलिंग अभी तक कहीं नहीं आई। जो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सीलिंग हम बस बैठ के देख रहे हैं, बस ये फोन नीचे ना गिरे ज़मीन में, पानी में। पानी में तुम हाथ बन मारना। अभी हम उधर बीच पे भी जाएंगे, हम इधर ही बैठे थोड़ी देर, डिस्टर्ब नहीं करते। आज मैंने भगवा टोपी पहनी हुई है, बस है काली, क्योंकि ये दिल का काला है। मैंने बहुत मस्ती किया था मुंबई के, ये समुंदर मस्ती करेंगे। जा रहे बस अंदर, वहाँ से सीलिंग के पास पैदल जाएंगे, क्योंकि ये जाएगा मैं नहीं जाऊँगा। इतना गहरा मेरे को स्विमिंग नहीं आती, इसे मैं चल के जाऊँगा, तैर के आएगा। मैं दादा चौपाटी से निकल रहा हूँ, निकलते निकलते हमें अपना एम्बलम दिखा है जो बहुत प्राउडली खड़ा है पूरे बीच के बीचों बीच, पूरे बीच के बीचों बीच। कितना अच्छा रैंक है ना मैंने। और ये वो चौपाटी गार्डन जिसमें सिंघम ऐसा खंभा हिलाता है, अब वो गोवा वाला होता है, पर मैं बोलता हूँ उसने मुंबई में शूट किया होगा। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे बोलने ना बोलने से, फर्क पड़ता है।